राम राम आप सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज अपने पास है TVS की रोनी, जो अभी लेटेस्ट जो बाइक आई है TVS के अंदर, जो आपको क्रूजिंग प्लस स्पोर्ट्स बाइक का मिल जाता है एडिशन। इसके अंदर TVS रोनी के अंदर आपको तीन वेरिएंट मिल जाते हैं। सबसे पहला तो आपको मिल जाता है सिंगल टोन और सिंगल चैनल ABS, सेकंड वाला आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS, साथ ही आपको उसके अंदर ड्यूल टोन मिल जाते हैं, और थर्ड वाला जो अपने पास है आज, इसके अंदर आपको थ्री टोन कलर मिल जाते हैं, साथ ही इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। प्राइस वाइज इसके अंदर आपको डिफरेंस है, जैसे प्राइस की आपको बात करें अपन की, जो एक्स शोरूम प्राइस से बात करूँ, जो स्टार्ट हो जाती है आपको 1,49,000 से, और जो इसके टॉप मॉडल तक जाती है वो एक्स शोरूम जाती है 1,69,000। आपको लो से लेकर टॉप मॉडल की जो एक्स शोरूम प्राइस है ये आपको मिल जाती है। आपको डिफरेंस करता है, जैसे आपको शोरूम वाइज तो आपको ऑन रोड का वो अलग अलग डिफरेंस करता है। वेरिएंट वाइज जैसे मैंने आपको, जैसे वीडियो स्टार्ट हुई उस टाइम आपको दिखा दिए तीनों, इसके अंदर आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तीनों आपको वेरिएंट मिल जाते हैं जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो का अंदर आपको दिखाया थे। तो इसका आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसा कैसा कलर मिलेगा और कैसे कैसे इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे। दो के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, जो इसके अंदर थ्री टोन वाला है, इसके अंदर ही आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। गाड़ी की की से बात करें तो इसके अंदर आपको TVS का लोगो मिल जाता है, जो अभी नया लेटेस्ट आया देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। SH की के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल बेसिक मिलती है। दो आपको की मिल जाती है गाड़ी के साथ में। इसको ऑन करते तो आपको देखिए यहाँ पे सेंटर में आपको यहाँ पे TVS का लोगो बना हुआ मिल जाता है, जो कि आपको पूरा LED सेटअप मिलता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको लो भी मिल जाती है, ये आपको हाई भी मिल जाती है। जस्ट आपकी हेडलाइट है उसके आपको ऊपर ग्रे फिनिश मिल जाता है, ये आपको फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग मिल जाती है लगाने के लिए। इसके अंदर आपको यहाँ पे गोल्डन कलर में शॉकर मिलते हैं, जो आपको सिंगल टोन वाला है इसके अंदर आपको ब्लैक मिलते हैं, इसमें आपको यहाँ पे गोल्डन कलर के मिल जाते हैं। ये आपको इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक मिलता है यहाँ पे, ये आपको इसके कलर के मैचिंग के हिसाब से मिल जाता है। आपको इसकी जो फ्रंट डिस्क साइज़ है ये आपको 300 mm की मिल जाती है, देख सकते हैं आप। इसके फ्रंट शॉकर आपको 41 mm और अप साइड डाउन वाले मिल जाते हैं इसके अंदर आपको फ्रंट शॉकर। इसके नीचे के साइड में आपको इसके अंदर ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, इसके अंदर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं। इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। इसका टायर साइज़ मिल जाता है आपको 110/70/17 इंच का, इसके अंदर आपको एलॉय व्हील मिल जाता है, ये आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको इंजन मिल जाता है 225.9 cc का, आपको सिंगल सिलेंडर इसके अंदर इंजन मिलता है। जो गाड़ी मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है वो करती है 20.4 PS का, और जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो करती है 19.93 Nm टॉर्क का। इसके अंदर साथ ही आपको ऑयल कूल मिल जाता है, जिसकी प्लेसिंग आपको यहाँ मिलेगी, देख सकते हैं आप। उसके राइट साइड में आपको हॉर्न की प्लेसिंग मिल जाती है। उसको 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है, जो एक डाउन लगेगा और आपको चार ऊपर लगेंगे, जैसे इसकी यहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर रखा है अच्छे से। यहाँ पे आपको TVS 3D में मिल जाता है। इसके अंदर आपको ट्रिपल टोन की पहचान करने के लिए आपको 1, 2, 3, ये इसके अंदर तीन अलग अलग कलर का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे आप पहचान सकते हैं ये ट्रिपल टोन का आपको मिल जाएगा कलर। यहाँ पे आपको फोर्स की बैजिंग मिल जाती है, जो TVS का लोगो है ब्रांड का वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे इस साइड आपको यहाँ पे रोनी लिखा हुआ आपको 3D में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। नीचे की साइड में यहाँ पे आपको हल्का सा सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको TVS का लोगो मिल जाता है, जो आपको 3D में लिखा हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से इसको फिनिश करा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके जो फुट रेस्ट है ये आपको, ये पूरा इसके अंदर ग्रिप मिल जाती है रबड़ की, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट आपको रियर ब्रेक के अंदर यहाँ पे आपको रबड़ मिल जाता है, इसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। इसको क्लोज और अप करेंगे तो इसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इन फ्यूचर ऐसा होता है ना, 4-5 साल बाद आपकी गाड़ी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही वाइब्रेशन का आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अंदर साइलेंसर इसका आप ऐसा कुछ दिखता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको इसको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ये आपको ऑल जो आपका हार्ड जैसे आपको लोहे का मिलता है ये आपको ब्लैक मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको साइलेंसर मिल जाता है इसका, ये आपको जो साइलेंसर का गार्ड मिल जाता है इसके अंदर, ये आपके यहाँ पे इसके गार्ड मिल जाता है, जो आपके जो मेनली आपके जो ऊपर का मडगार्ड है उसको गंदा होने से रोकता है और कचरा आपके ऊपर आने से रोकता है। ये आपको ये भी मिल जाता है, ये फाइबर का मिलता है आपको। रियर का टायर आपको मिल जाता है 1/30/70 17 इंच का, इसके अंदर एलॉय व्हील मिल जाता है आपको रियर में। आपको जो इसके जो डिस्क साइज़ है वो आपको मिलती है 240 mm की, इसके अंदर डिस्क साइज़ मिल जाती है आपको। ये आपको पूरा लोहे का मेटल मिलता है, ये आपको इसके बैकलाइट के इंडिकेटर मिल जाती, पूरी LED मिल जाती है। यहाँ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इस साइड आपको नंबर प्लेट की लाइट मिलती है वो भी आपको LED मिलती है, नंबर प्लेट की प्लेसिंग मिल जाती है, ये आपको यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ये इसकी जो बैक लाइट है ये आपको पूरी LED मिलती है, पूरे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, आप देख सकते हैं। इसकी जो रियल लाइट है काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको यूनिक भी लगेगी, जो बाइक का इनके सेगमेंट है इसके अंदर आपको काफ़ी यूनिक लगेगी देखने के लिए। यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग मिल जाती है, जो 3D मिलती है यहाँ पे भी। इस साइड आपको यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता है, ये नॉर्मल है। जो मुझे पर्सनली जो चीज़ अच्छी लगी है, इसके अंदर आपको पूरी चेन कवर मिलती है, जो काफ़ी अच्छी है आपको। हालांकि जैसे नॉर्मल बाइक आती है उसके अंदर यहाँ पे कवर मिलता है और यहाँ से पूरी ओपन मिलती है, पर ये इसको पूरा कवर करा हुआ है इसकी चेन को, बहुत अच्छा है ये। एक
स्पोर्ट्स बाइक के अंदर या फिर क्रूजिंग बाइक के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि अगर ये कवर रहता है तो आपकी चेन जल्दी से गंदी नहीं होती बारिश के अंदर। तो ये चीज़ पूरा इन्होंने ध्यान रखा है, क्योंकि पहले वाली बाइकों में टी वी एस की जैसे अपाचे से कंसिडर करूँ तो आपको उसमें पूरा नीचे से खुला मिलता था, तो वो एक मेरे पास पर्सनली मैंने यूज़ करी तो मुझे प्रॉब्लम देता था, क्योंकि उससे बहुत जल्दी कचरा भी उड़ता था, आपके जो व्हील होते हैं ये उससे कचरे से डायरेक्ट गंदे होते थे। तो ये चीज़ इसमें इन्होंने ध्यान रखी टी वी एस ने, अभी इसको पूरा कवर करा, तो ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर। जो बाइक का रियर सस्पेंशन है तो वो आपको मोनोशॉक विथ 7 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाता है प्री लोड के लिए। इसको आप 7 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको इसके अंदर 7 दे रखे हैं स्टेज, जिससे आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक है। इसकी सीट आपको एकदम सिंगल मिलती है पूरी, ये इसके अंदर आपको एसेसरी पार्ट है इसके अंदर, आप इसके अंदर नॉर्मल आता है इसके अंदर चढ़ा हुआ, इसके ऊपर ऊपर से एडिशनल आप ऐसे चढ़ा सकते हैं लेदर टाइप का सीट कवर, देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है। इसकी कुशनिंग आपको डिसेंट मिल जाती है। यहाँ पे इसके अंदर आपको पीछे पकड़ने के लिए हैंडल दे रखा है। अब गाड़ी के अपन डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। गाड़ी की ओवरऑल विड्थ मिलती है आपको 805 mm की, गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है आपको 2040 mm की, गाड़ी की जो हाइट है वो मिलती है आपको 1170 mm की, गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो आपको 14 लीटर की मिलती है, गाड़ी की जो हाइट मिल जाती है आपको, जैसे आप सीट की हाइट मिल जाती है वहाँ से आप सीट से बैठेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाती है 795 mm की, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको वो मिलता है 181 mm का, और जो गाड़ी का कर्व वेट मिलता है वो आपको मिलता है 160 kg का, आपको व्हील बेस मिलता है जैसे फ्रंट टायर से बैक टायर का तो वो मिलता है आपको 1357 mm का। इसका फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ मैं, फ्यूल टैंक कैसे खुलता है इसका देख सकते हैं, फ्यूल टैंक इसका इजीली खुल जाता है, वन पुश करेंगे तो ये क्लोज हो जाता है, ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है, फिर उसके साइड में पूरी वापस सिल्वर फिनिश मिल जाती है। स्पेशल थैंक्स टू रामजी टीवीएस, साथ ही मयूर जी का, जिन्होंने आज अपने लिए बाइक अवेलेबल करवाई है। आपको शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मयूर जी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं जाकर। अब गाड़ी के हैंडल से बात कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको हाई और लो बीम के लिए मिल जाता है, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का आपको हाई बीम के लिए आपको मिल जाता है, इस साइड आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाता है, इस साइड आपको हॉर्न के लिए मिल जाता है, इस साइड आपको गाड़ी के स्टार्ट करने के लिए मिल जाता है, जैसे आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं उसके लिए नीचे की साइड में आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी हैजार्ड लाइट के लिए दे रखा है कि आप चारों लाइटें हैजार्ड लाइट चालू कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ इसके अंदर, जैसे अभी मैं इसको चालू कर दी, देख सकते हैं आप इसे चालू हो जाते हैं, चारों हैजार्ड लाइट आप चालू कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आपको मोड दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को दबाइए, जब भी आप बेल आइकन को दबाएंगे तो उसको आपको मेरा नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब अपन गाड़ी की जो MID उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ आपको RPM के लिए मिल जाता है, यहाँ आप टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ आपकी स्पीड के लिए मिल जाता है, यहाँ आपको गियर इंडिकेट करता है, जैसे आपकी गाड़ी अभी जैसे न्यूट्रल में है तो ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर उसके लिए आपको इंडिकेट करता है। इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं, अर्बन, सिटी और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है इसके अंदर, वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूल के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको ABS की लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे अभी लो फ्यूल की वार्निंग दे रहा है कि लो फ्यूल है, यहाँ पे आपको गाड़ी जैसे इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है वो इंजन की लाइट भी जाती है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है। अब इसके अंदर आपको एडिशनल जो फीचर मिलते हैं जैसे बता देता हूँ, इसके अंदर आपको नेविगेशन मिल जाता है, कॉल SMS अलर्ट मिल जाता है, आपको USB पोर्ट दे रखा है इसके अंदर, ये आपको स्लिपरी क्लच मिलता है, साथ ही आपको एडजस्टेबल मिलता है, ये आपको जैसे इसके अंदर स्टेज दे रखी है, अभी ये 2 पे सेट है, आप इसको 1 पे 3 पे ये सेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी रखी है इसके अंदर। जैसे आपको कभी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, जैसे किसी को फुल क्लच चाहिए, किसी को हाफ चाहिए, किसी को मिड क्लच चाहिए, तो वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान रखिए। इस साइड आपको यहाँ पे भी इसके लीवर दे रखा है, इसको लीवर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर वाले को भी, आपके जो फ्रंट टायर के जो ब्रेक है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका हैंडल आपको पूरा ब्लैक मिलता है और थोड़ा ही आपको नीचे की साइड में मिलता है झुका हुआ, जिससे आप चलाएंगे क्रूजिंग बाइक करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा नीचे की साइड मिलता है। यहाँ से आप इसकी सीट ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको आप बार-बार फ्लिप करेंगे तो आपकी सीट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप इजीली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा जैसे आपकी डायरी वायरी रखने के लिए नीचे यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैटरी के लिए मिल जाता है, गाड़ी के पूरे फ्यूज बॉक्स मिल जाते हैं आपको, और आप वैसे डायरेक्ट ईजिली ऐसे करेंगे पुश तो ये आपकी क्लोज भी हो जाएगी सीट इसकी। एक बार मैं गाड़ी का इंजन आपका साउंड सुना देता हूँ, जिसके साइलेंसर से साउंड आता है उसका साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। जैसे आप यहाँ से इसका इंजन ऑन करेंगे, कंप
अपनी एवरेज क्लेम करती है वो आपको सिटी के अंदर 40 किलोमीटर कर देती है और हाईवे पे इसके अंदर 1-2 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो आप इस अप्रोक्स मान लीजिए अगर इको में चलाएंगे, स्पोर्ट्स पे नहीं चलाएंगे, इको मोड पे चलाएंगे तो आपको नॉर्मली आपको 40-45 का एवरेज दे देगी। अगर नॉर्मल आप चलाएंगे और आप सपोज कीजिए इसको पावर मोड पे चलाएंगे या स्पोर्ट्स मोड पे, तो आपको ये ज़्यादा नहीं तो 38-39 का आपको एवरेज मिल जाएगा इसके अंदर। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।